हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन। देखो यार, इस वीडियो में बात करेंगे आईफोन 7 और यहाँ पे देखो आईफोन 11 को लेके। देखो आईफोन 7 और आईफोन 11 दोनों के बारे में बात करेंगे, कौन सा आज की डेट में सही है एंड आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि देखो आप एज अ बिगिनर हो गए, आप iOS के इको सिस्टम में आना चाहते हो एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा आईफोन आपको लेना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आईफोन 7 की बात करूँ तो आज की डेट में अगर आप देखने जाओ 10 से 12 के बजट में आपको ये आईफोन जो है आज की डेट में देखने मिल जाता है। हालांकि देखो, इस आईफोन को अगर आज की डेट में अगर आप लेने जाते हो तो यहाँ पे कोई भी iOS 16 का अपडेट देखने नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि देखो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो भी सारे ऐप्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पे सपोर्टेड है एंड आज की डेट में भी अगर आप देखो तो ये एक आपके लिए अच्छा आईफोन हो सकता है बजट रेंज में। एंड अगर आज की डेट में भी देखते हो यार, एक अच्छा डिसेंट फ़ोन है आप अगर चूज़ करना चाहते हो एक बजट रेंज में, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे आईफोन 11 को लेके, तो ये आईफोन जो है आज की डेट में देखो 30K के बजट में आपको देखने आप मिल जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, क्योंकि देखो अगर आज की डेट में अगर आप आईफोन 11 लेते हो तो बहुत लोग देखो आज की डेट में भी यहाँ पे इसको लेना प्रेफर करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस है, अगर मैं बात करूँ देखो इसके रीजंस की, तो पहला रीज़न आता है देखो यहाँ पे इसका डुअल कैमरा। अगर आप आईफोन 7 पे भी देखो तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा ही देखने मिलता है। अगर मैं आईफोन 8 की बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो आईफोन 8 में भी आपको सिंगल कैमरा ही देखने मिलता है। प्लस मॉडल के साथ आपको यार डुअल कैमरा देखने मिल जाता है एंड प्रो मॉडल्स के साथ तो आपको यहाँ पे 3-3 कैमरा आज की डेट में देखने मिलता है। देखो अगर मैं बात करूँ देखो ओवरऑल दोनों आईफोन्स को लेके, आईफोन 11 को लेके एंड आईफोन 7 को लेके, तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड टेस्ट भी अगर यहाँ पे करता हूँ तो देखो अगर स्टॉक ऐप्स के यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे स्पीड टेस्ट किया था एंड स्पीड टेस्ट में भी आपको देखो यार ऑब्वियसली यार आईफोन 7 आज की डेट में अगर आप देखो तो यहाँ पे इसमें रन करता है 8 फ्यूजन चिप एंड भाई साहब अगर आप देखो आईफोन 11 में तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 13 बायोनिक चिप। तो इक्का दुक्का आपको जो है स्पीड में थोड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक ऐप्स को लेके, अगर आपके सामने अभी मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पर जब टेस्ट किया तो मैंने टेस्ट आउट से पाया कि यार देखो जो स्टॉक ऐप्स है वो लगभग एक साथ ही खुलते हैं यार। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का इक्का दुक्का यहाँ पे डिफरेंस है। एंड अगर बात करो, हालांकि देखो अगर मैं बात करो थर्ड पार्टी ऐप्स को लेके, जहाँ की मैंने टेस्ट नहीं किया है बट मैंने टेस्ट आउट किया था पहले, तो मैंने ये पाया कि देखो जो ऐप्स के लोडिंग स्पीड है, अगर बात करो यहाँ पे आईफोन 7 को लेके तो थोड़ा सा यार यहाँ पे डिले हो जाता है एंड आईफोन 11 यार जल्दी लोड लेता है यहाँ पे। और इसका ऑब्वियसली एक रीज़न है, यहाँ पे देखो A13 बायोनिक चिप आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली मैं यहाँ पे टेस्ट आउट कर रहा हूँ, आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे जो है लगभग यहाँ पे सिमिलर परफॉर्मेंस मिल रहा है। एंड कभी कभी देखो यहाँ पे आईफोन 11 जल्दी खुल रहा है, अगर आपने देखा वॉलेट ऐप को यहाँ पे मैंने खोला तो यहाँ पे जो है आईफोन 11 पहले लोड लेता है। देखो क्लॉक के साथ यहाँ पे देखो दोनों में सिमिलर एक ही साथ यहाँ पे खुलता है। तो यहाँ पे स्टॉक ऐप्स को लेके अगेन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हालांकि अगर बात करूँ देखो अगेन यहाँ पे मैंने खोला तो यहाँ पे आईफोन 11 पहले आया, तो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे इक्का दुक्का का डिफरेंस है बट बिकॉज ऑफ द यहाँ पे। एंड देखो मैं बात करूँ यहाँ पे देखो आईफोन 7 और यहाँ पे आईफोन 11 को लेके, तो यहाँ पे अगर आप देखो आज की डेट में इसको कहीं पे भी आप लेने जाओ, OLX पे जाओ, रिफर्बिश साइट पे जाओ, कहीं पे भी लेने जाओ, तो जो आपको जो प्राइस पड़ने वाला है आईफोन 7 का 10-12 के अंदर मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ यार आईफोन 11 को लेके, तो यहाँ पे आपको 30K से लेकर 32K तक भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरियंट यहाँ पे ले रहे हो। तो अगर मैं बात करूँ यार देखो कौन सा आईफोन आज की डेट में आपको लेना चाहिए, देखो आप एकदम बिगिनर हो, जस्ट आप आना चाहते हो iOS के इका सिस्टम में, तो भाई साहब आईफोन 7 आज के डेट में भी अगर आप लेने जाते हो तो भाई साहब एक वर्दी फ़ोन है आपके लिए। मतलब आप स्पेंड कर सकते हो 30K तक जा सकते हो, तो भाई आईफोन 11 उतना भी आज की डेट में ख़राब नहीं। स्टिल अगर ले सकते हो तो आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा देखने मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि देखो यहाँ पे 5G सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पे देखो दोनों आईफोन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो आईफोन 11 आज की डेट में लिया जा सकता है। देखो अगर मैं बात करूँ आईफोन 7 को लेकर, अगर आईफोन 7 आज क्रेडिट मिलने जा रहा हो तो देखो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला ऐप्स को लेके, बट हो सकता है 1 से 2 साल बाद यहाँ पे आपको ऐप्स के प्रॉब्लम देखने मिले। बट अभी आपको 1 से 2 साल के अंदर कोई भी ऐप्स को प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा आईफोन 7 में। एंड आईफोन 11 की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आपको देखो अपडेट्स की बात करो तो देखो iOS 16 का अपडेट आपको देखने मिल जाएगा आईफोन 11 में, और 7 में आपको यार देखने नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा यार ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।